बात बात में तुम्हारा मुस्कुराना स्वभाव था, आज तुम्हारी आंखें लाल है, होठ सूख रहे हैं, क्या चक्कर है? धीरज धर्म मित्र और नारी और आपति काल परतियों चारी पिया। धीरज धर्म मित्र और नारी की पहचान जब मुसीबत आती है तब जान पाता है। पिया मुझे जल्दी से बता क्या चक्कर है? राडा बल कहने लगे मुझे क्या बताऊं, दरवाजे पे तीन लोग के स्वामी आ रहे हैं और तीन कदम की गिनती में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम और रह गया है, क्या तुम मेरी पीठ अपनी पीठ न पा सकते हो? बिंदिया बली कहने लगी पिया क्या तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात, अगर तुम्हारे खातिर अगर अग्नि में जल जाए फिर तो मेरा जीवन धन्य है। और हम तो ये कहेंगे लोगों को ऐसी स्त्री जिस पुरुष को मिल जाए वो इंसान बहुत बड़ी किस्मत वाला है, वो इंसान बहुत बड़ी किस्मत वाला। अब बिंदियावली कहने लगी है सुनो पिया तुम्हें एक बात नहीं माना क्या? तो क्या बोली है अपने पिया से? क्या बोली कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें कि इस तन पर है अधिकार तुम्हें और टुकड़ा टुकड़ा कर पाई दीजो चला शुक्रवार कोर्ट में हम तुम्हें भी तलाक हम दूसरों ढूंढ लिए झंझट बनाई खड़ी हो भाई आज की पढ़ी लिखी लड़की होती तो यही के बाद और तुमने देखा भी होगा हमारी तुम्हारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं ये बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं बीच में मांग भरा करती तो बहुत लंबा चौड़ा सिंदूर भरा करती थी लंबा चौड़ा सिंदूर भरा रहती थी और अपने पति को संकेत किया करती थी कि पिया मैं तुम्हें कभी अधिकार पर धोखा नहीं दूंगी। अब क्या है तुम्हारा आज की पढ़ी लिखी लड़की जरा सी मां अब वो भी साथ से अपने पति को संकेत करती है कि पिया तुमने नेको मेरी बात न मानी तो तुम्हारी रास्ता जाए और हमारी रास्ता जाए।
सी बात। देखिए एक बिंध्यावली अपने पति से क्या कर रही है, और हम तो लोग एक ही बात कहेंगे, अगर हमारे देश को बर्बाद किया तो मात्र दो ही ने बर्बाद किया है, एक नेता और एक अभिनेता, एक नेता और एक अभिनेता। नेता ने हमारे देश को गिरवी रख दिया, कर्मी देश से लो जाए बाहर में केवल खुशी मिल जाए, खुशी मिल जाए और फिल्मी हम नेताओं, फिल्मी हम नेताओं ने कैसे हमारी पीढ़ी का सत्यानाश किया। बंबई में फैंसी चली और नंगला गुलाल में तो पहले घुस बैठे थे, कांदो बंबई में फैशन चली और तुम्हारे गांव में आज पहले घुस बैठे थे। जब फैशन ने कैसे सत्यानाश किया है मालूम? अब हम तुम्हें करीब 10-15 दिन पहले की बात बता, हम अपने घर पे रहे, कथा समाप्त करके आए, हाँ अपने ऑफिस में ले रहे, तो कथा का दिन गणेश पूजन होता है तो एक दिन हमें रेस्ट को मिल जाता, तो हम अपने ऑफिस में आराम से लेटे थे, तो आदेश आओ जी ऑफिस में लेते के लिए कछु काम नहीं है तो कुसमरा चले जाओ, समझिए ले आया, क्योंकि अधिकारी बारे हो तो घर है तो चपरासी हो ना हो अधिकारी बारे होता, तो हमने अपने मोटरसाइकिल ली और कुसमरा में सब्जी लेने के लिए पहुंचे। बाजार का दिन था, भीड़ काफी रहे, भीड़ काफी रहे तो हमने मोटरसाइकिल साथ से खड़ी कर दी, पैदल चले। जब पैदल चले तो सब्जी मंडी में हम जब पहुंचे तो हमने एक दृश्य देखा, हमने नहीं जाना, एक लड़की रहे चुस्त जींस पहने लड़कों जैसे और लड़कों जैसे बाल रहे, हमने नहीं जान पाई ये लड़की है कि लड़का। हम पीछे से गए, उसने कमर से हाथ लगाया, हमने कहा भाई साहब थोड़े लेके दर हो जाता, हमने कहा आगे निकल जा, हाय गैया इतने शब्द के नहीं पाई लड़की, एकदम कमर बयान करके बोली ए क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, तो हम तो पंचर हुई, अब जे पता ना चल लो कहां पे बैंडी खड़ी हो कहां पे बैंडा खड़ो, अब जे पता ना चल रहा कैसे कैसे बोले, तब से लड़कन का बताओ कम हुई लड़कन बात बताए, इटावा हम गए अपनी दवाई लेने के लिए,
डॉक्टर के शर्मा दिया जे पवन लड़का मेरे संग रहे, थोड़े हम जल्दी से पहुंच गए, डॉक्टर साहब बैठे नहीं थे, तो हमने अपनी गाड़ी साथ से खड़ी कर दी, रोड पे घूमने लगे। जब रोड पे घूमने लगे तो हमने अपनी आंखों सामने एक दृश्य देखा। क्या देखा? कि एक रिक्शा पे बूढ़ी अम्मा बैठी चली आई। बूढ़ी अम्मा को मोटी ताजी है, शरीर को खिला। उम्र कितनी रहे? उम्र हो कम से कम हो 80 साल। 80 साल की उम्र। हाय भैया, सलवार सूट भी पहने फिर रही थी। घर नाती और पंती खेल रहे। हाय बाल बिटाई करा जो घूम रही थी।